चलो स्टार्ट है, वीडियो स्टार्ट है। आज हम लोग SDM इंफोटेक के बाहर में खड़े हैं, हमारे सेंटर के बाहर में। आज ग्रुप थ्री का लास्ट एग्जाम है, आज ग्रुप थ्री का लास्ट एग्जाम है और कल ग्रुप फोर का लास्ट एग्जाम है। 16 तारीख को 4 बजे हम लोग प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं कोलकाता हेडक्वार्टर में, सदर स्ट्रीट में। हम रिक्वेस्ट करते हैं जितने भी सीएम स्टूडेंट अपने अपने नियरेस्ट चैप्टर पे जाए और प्रोटेस्ट करें। हम लोग की डिमांड एक ही है कि अगर इंस्टीट्यूट ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करवाता चाहता है तो एक सिंप्लीफाइड पेपर पैटर्न बनाए, क्योंकि एग्जिस्टिंग पेपर पैटर्न ऐसा नहीं है जिसको 3 घंटे में सॉल्व किया जा सके। और अगर इंस्टीट्यूट इसी पेपर पैटर्न में ऑनलाइन टेस्ट करवाएगा तो अगले बार हम सब मिलके एग्जाम को बॉयकॉट कर देंगे। पेपर पैटर्न अगर यही रखना है तो इससे बेटर है ऑफलाइन रखा जाए। एग्जिस्टिंग पेपर पैटर्न में MCQ क्वेश्चन जो 4 मार्क्स का ऑर्डिनरी क्वेश्चन होता है उसको ये लोग 1 मार्क्स में पूछ रहे हैं, जो बिल्कुल अनफेयर है। जो लड़का रिटर्न पेपर में 80% मार्क्स ला सकता है, 80 मार्क्स, वो 50 भी क्रॉस नहीं कर पा रहा है इस एग्जिस्टिंग पेपर पैटर्न में। कोई भी अगर कोई कार बनाता है तो पहले उस कार का ड्राइविंग टेस्ट करता है, जबकि एग्जामिनेशन कमिटी ICMI की ना एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर बनाने के बाद ना उन्होंने टेस्ट करके देखा ना आंसर सॉल्व करके देखा कि बच्चे इनको 3 घंटे में सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं। और ऐसे भी एक साल से ये लोग ऐसे ही तमाशा करते जा रहे हैं, जबकि CA और CS इंस्टीट्यूट ने भी जब कोरोना वायरस हाईएस्ट पीक पे था तब भी ऑफलाइन एग्जाम इफिशियंटली और इफेक्टिवली कंडक्ट करवाया। साथ ही साथ रिजल्ट भी टाइमली अनाउंस करवाया, जबकि दो बार CMA इंस्टीट्यूट ने अपना एग्जाम एक्सटेंड करवाया। और हम लोग का टाइम जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है स्टूडेंट के लिए उसको वेस्ट किया है। मेरा रिक्वेस्ट यही है CMA स्टूडेंट से ऑल ओवर इंडिया के अपने नियरेस्ट चैप्टर पे जाएं और प्रोटेस्ट करें। सिंपल डिमांड है कि प्रेसिडेंट 1-to-1 फेस टू फेस आइदर ओरल कम्युनिकेशन या रिटन कम्युनिकेशन से बात करें। डेट और प्रोटेस्ट इज ऑन 16 December 2021 at 4 PM एट योर नियरेस्ट CMA चैप्टर और हेडक्वार्टर। थैंक यू।